सारी वृक्षावली देख रहे हैं, ये साक्षात गोपी स्वरूप हैं और रात्रि में यही वृक्ष गोपी बनते हैं और ठाकुर जी के साथ महारास करते हैं। दिन में ये वृक्ष के रूप में विराजते हैं, पर ऐसे वृक्ष, ये वाले वृक्ष आप पूरी दुनिया में कहीं ढूंढोगे, निधिवन के अलावा आपको और कहीं नहीं देखने के लिए मिलेंगे। यही इस भूमि का असली महत्व है, ये भगवान की मुख्य जो रास स्थली है। फ्रेंड्स, राधे राधे, मैं आनंद शर्मा आज आपको लेके और वृंदावन धाम में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ निधिवन। और निधिवन के जितने भी रहस्य हैं जो आप देखते हैं जितने वीडियो में या जिसमें जैसे भी आपने जाना हो, मैं आपको पूरा साक्षात बिल्कुल यहाँ के बारीकी से समझाने वाला हूँ। जो यहाँ की जो भी मेन मेन स्टोरी होगी वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो चलते हैं, निधिवन घूमते हैं, यहाँ की सारी जानकारी लेते हैं। और मेरे साथ में मेरा मित्र आया हुआ है कुलदीप, जो हमारे आचार्य हैं, कुलदीप आचार्य पंडित जी हैं, तो उनको थोड़ी यहाँ की नॉलेज है। ये वृंदावन में रहे हैं, गुरुकुल से इन्होंने पढ़ाई की है, तो इनके जरिए आज हम निधिवन की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलते हैं वीडियो में, आगे चलते हैं, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। राधे 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 राधे। निधिवन वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ महारास किया था। कहा जाता है कि आज भी यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा सहित गोपियों के साथ महारास करते हैं। निधिवन के दो गेट हैं, मैं एक नंबर गेट से आया हूं भीतर, और भीतर घुसते ही आपको कुछ इस तरीके का यहां का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहां आप सामने देखते हैं जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था है, और ये दोनों एक एंट्री और एक एग्जिट गेट है। तो आइए मेरे साथ। तो मैं निधिवन के भीतर आ चुका हूँ, मेरे साथ में कुलदीप पंडित भी है, इस समय साथ में पंडित जी आए हुए हैं। तो ये निधिवन का मेन ग्राउंड है जहाँ से एंट्री चालू हो जाती है, ये यहाँ का मेन एंट्री गेट है, यहाँ से स्लीपर वगैरह उतार के। ये यहाँ का सेकंड गेट है, यहाँ से आप उधर साइड से आते हैं तो ये सेकंड गेट के उधर भीतर साथ से, ये यहाँ का मेन गेट एंट्री का जो है वहाँ से है। अब यहाँ से चलते हैं, निधिवन में एंट्री लेते हैं, सामने प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, वहाँ से एग्जिट गेट है, ये यहाँ से एंट्री है। राधे राधे। ये जो आप वृक्ष देख रहे हो, ये रात को गोपी बन जाते हैं और भगवान के साथ मिलकर यहाँ रास रचाते हैं। निधिवन वह स्थान है जब वृंदावन के बांके बिहारी जी इसी स्थान पर प्रकट हुए थे। और बंसी वाले की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। आज निधिवन में आए हैं और निधिवन में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। इस समय ये विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन में अभी शाम के बज रहे हैं 4, और हम निधिवन के भीतर हैं और बंदरों के बीच में घिरे हुए हैं। तो हमको अपना कैमरा थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो बंदर वगैरह आएंगे, क्योंकि यहाँ बंदर आते हैं, चश्मे और तुम्हारे मोबाइल वगैरह को छीन के ले जाते हैं। इसलिए अपनी सेफ्टी से रहें, निधिवन में आए, सेल्फी वगैरह लेनी हो आपको तो यहाँ सेफ्टी से रहना पड़ेगा आपको। निधिवन में रात में प्रवेश नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ गोपियों संग रास रचाते हैं, और रास रचाते हुए अगर कोई व्यक्ति उन्हें देख लेता है तो वो सुबह मृत शरीर उसका यहाँ पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता। ये ललिता कुंड है निधिवन के अंदर। ऐसी कथा आती है कि जब भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब महारास किया, तो रास करते 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 जब गोपियाँ थक गईं और गोपियों को जब प्यास लगी, तो ठाकुर जी ने अपनी वंशी से एक भूमि को खोदा, और उसी स्थान को बोलते हैं ये ललिता कुंड, क्योंकि उस समय पर ललिता सखी ने ही सबसे पहले वहाँ पे पानी पिया था, इसलिए इसका नाम ललिता कुंड के नाम से विख्यात है। आज इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि पहले इसमें क्या होता था कि आदमी कोई डूब जाता, कोई गिर जाता, काई लग जाती थी पानी में, तो कोई दुर्घटना ना हो जाए इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसको अभी बंद कर दिया गया है। जय श्री राधे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस समय जो भीड़ लग रही है, इस समय जो दर्शन करके आ रहे हैं निधिवन में लोग, उस स्थान की आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो पंडित जी आपको बताएंगे, कुलदीप पंडित जी बताइए स्थान के बारे में क्या महत्व है इसका। राधे राधे भैया, ये जो स्थान है श्री हरिदास बाबा की समाधि है। हमारे ब्रज में बड़े बड़े अनेकानेक संत हुए हैं,
स्वामी श्री हरिदास जी, आपने सुना हो अकबर के यहाँ पर नवरत्न रहा करते थे, जिसमें से एक का नाम था तानसेन और एक बहुत अच्छे बैजू बावरा। बैजू बावरा जो हैं वो श्रीधर हरिदास बाबा के शिष्य हैं। श्री हरिदास बाबा को सातों राग सिद्ध थे, जिन राग से सारी संगीत दुनिया जो चलती है वो उन्हीं सात रागों के ऊपर चलती है। वो सारे के सारे राग, जितने भी राग हैं, वो सारे राग श्री हरिदास बाबा को सिद्ध थे। और हरिदास बाबा की भक्ति के द्वारा ही स्वामी श्री बांके बिहारी लाल जी का प्रागट्य हुआ है। इसी स्थान पर 1530 में, सन 1530 में श्री हरिदास बाबा ने यहीं पर सदैव समाधि ली थी और उसी से जबी से यहाँ पर ये स्थान बना हुआ है। आज भी स्वामी श्री हरिदास जी के नाम से ये स्थान की पूजा जाता है और उनकी उनकी समाधि के ऊपर हजारों लोग श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगने आते हैं और स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से आज भी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। स्वामी श्री हरिदास जी जो हैं वो राधा रानी की अष्ट सखियाँ हैं, उनमें से जो ललिता नाम की सखी हैं उनके ही प्रत्यक्ष अवतार हुए। आज उनकी एक गद्दी टटिया स्थान के रूप में भी विराजमान है, जहाँ पर मोहिनी निकुंज बिहारी नाम से दर्शन दिए जाते हैं। और ये जो स्थान है इसको बोलते हैं स्वामी श्री हरिदास जी की समाधि स्थान। ये जितना भी निधिवन का स्थान आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र का मुख्य स्थान है। ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराष्ट्र रचाया। तो जो महाराष्ट्र रचाया उस समय प्रभु की ऐसी माया हुई कि योग माया ने वही एक रात शरद पूर्णिमा के 6 महीने की रात्रि बना दी। और ऐसा वर्णन है कि 6 महीने तक ठाकुर जी ने रास रचाया है। और जितनी भी यहाँ पर आप ये वृक्षावली देख रहे हैं, अभी आनंद भैया आपको दिखाएंगे, जितनी भी सारी वृक्षावली देख रहे हैं ये साक्षात गोपी स्वरूप हैं और रात्रि में यही वृक्ष गोपी बनते हैं और ठाकुर जी के साथ महारास करते हैं। दिन में ये वृक्ष के रूप में विराजते हैं और ऐसे वृक्ष, ये वाले वृक्ष आप पूरी दुनिया में कहीं ढूंढोगे, निधिवन के अलावा आपको और कहीं नहीं देखने के लिए मिलेंगे। यही इस भूमि का असली महत्व है। ये भगवान की मुख्य जो रास स्थली है वो यही निधिवन है और यहीं से बांके बिहारी लाल का प्रागट्य भी हुआ था। बोले स्वामी श्री बांके बिहारी लाल की जय। ये जाली वगैरह जो है ये अभी कवर की है, पहले ये सारा खुलासा था नहीं, पहले खुला हुआ था, पहले ये सब कुछ खुला हुआ था। चक्कर क्या है भैया कि लोग जो हैं अच्छे कमाते हैं, बुरे ज़्यादा आते हैं। अभी अब किम बदंती और मत भ्रांति ऐसी होती है कि अगर किसी ने एक लकड़ी तोड़ ली किसी पेड़ की तो जितनी भीड़ देख रहे हो एक एक लकड़ी तोड़ के अपने घर ले जाएगी और ये जो तपोवन है वो सारा छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से अभी ये रेलिंगें लगाई गई हैं। बोली स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। बोली रास बिहारी भगवान की जय। तो मैं भी आ चुका हूँ रंग महल वाले स्थान पर, निधिवन के जो भीतरी है वो आप मेरे पीछे देख सकती हो। ये रंग महल की दीवार है और सामने जो भीड़ देख रहे हो ये सारे यहाँ से दर्शन करके जाएंगे, रंग महल के दर्शन करके जाती हूँ। रंग महल की जो स्टोरी है वो अपने पंडित जी से थोड़ा जानना चाहूँगा। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे भैया, जय श्री कृष्णा। ये निधिवन के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है रंग महल। ये स्थान इसलिए है कि यहाँ पर इसी स्थान पर जब रास रचाया ठाकुर जी ने तो राधा रानी को 16 श्रृंगारों से सुसज्जित किया गया। जैसे एक पत्नी अपने पति से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करती है, उसी प्रकार से राधा रानी ने इस स्थान पर यहाँ पर श्रृंगार किया। तो आज भी लोग आते हैं अपनी मनोकामना के मांगने के लिए, राधा रानी को श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं और राधा रानी को लाड़ लड़ाते हैं। आज भी ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी आते हैं और जो भोग ठाकुर जी को धरा जाता है वह भोग छिन्न भिन्न मिलता है। जो शैया रखते हैं वो शैया के बिस्तरों में सलवट पड़ी हुई मिलती हैं। जो दातुन रखते हैं वो दातुन फटी हुई मिलती है। माने के ऐसा बताते हैं कि आज भी ठाकुर जी नित्य प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। यही है वृंदावन, यही है व्रज। बोली व्रज धाम की जय। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से आपको जो दर्शन कर रहे हैं वहाँ से फोटो वगैरह वीडियो वगैरह नहीं बना देती है, पर वहाँ से थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ और आगे की तरफ आपको लेके चलता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम। Thank you.
गोप्रो चल रहे हैं अभी तो। गोप्रो चल रहा है। राधे 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 कुंज बिहारी श्री हरि। और हम आ गए हैं अभी वृंदावन के भीतर राज चौक में, क्योंकि राज चौक में इधर आए हैं और अब देख रहे हैं इधर अच्छा आनंद आ रहा है। भक्त यहाँ आए हुए हैं, जो वृंदावन में जितने ही भक्त आए हुए हैं वृंदावन के भीतर आए हुए हैं, यहाँ बहुत आनंद उठा रहे हैं। आप सामने देखिए, आपको दिखाता हूँ। पंडित जी हम आ गए राज चौक में, तो राज चौक में कैसा आनंद रहा है यहाँ पे? बहुत 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 बढ़िया आनंद आ रहा है भैया। कितने टाइम में आए हो उधर? मैं तो भैया काफी साल बाद आया हूँ आज। आज ये आनंद भाई है जो ये लेवा के ले आया है, नहीं तो व्रज में रह के और व्रज की जगहों पर नहीं घूम पाते हैं। जीवन की व्यस्तता ऐसी है, करें क्या। आज मेरे को तो लगभग 5-6 वर्ष हो गया, बहुत सब कुछ बहुत अंतर भी देखने को मिला है, लेकिन जो भूमि की रूहानी पीसनेस है वो आज भी इस जगह में वैसी ही विद्यमान है। वैसी ही है, क्योंकि हमारा तो जीवन ही मथुरा वृंदावन गोकुल, जन्म गोकुल, हमारी तो जन्म भूमि कर्म भूमि सब यही रही है। और ये मौका अब हमको अब आके हमको मिला है कि हम भी दर्शन करें और आप सबको भी दर्शन कराएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। अब मैं इस समय आ चुका हूँ वृंदावन के भीतर बंसी चोरी। ये जो स्थान आप देख रहे हो, इस समय जो भीड़ जा रही है, इसमें लोग दर्शन करके जो आ रहे हैं, ये बंसी चोरी का स्थान है जहाँ राधा जी ने बंसी चुराई थी। ऐसा ही है या फिर कुछ भी, जाके जो भी स्टोरी है मैं पंडित जी से जरूर जानना चाहूँगा। राधे राधे राधे। ये स्थान है ठाकुर जी की बंसी चोरी का। बंसी चोरी ऐसी कथा आती है अनेकानेक ग्रंथों में कि एक बार जब रास किया तो रास करते हुए राधा रानी ने भगवान कृष्ण की वंशी की चोरी कर ली और खुद वंशी बजाने लगी। ऐसा आपने भजनों के माध्यम से भी सुना होगा कि राधा बनी कृष्ण और कृष्ण बने राधा, तो ये यहीं की लीला है। यहाँ पर राधा रानी ने वंशी बजाई है और ठाकुर जी ने 16 श्रृंगार करके राधा रानी का रूप धारण किया है। ये वही स्थान है। बोले रास बिहारी भगवान की जय। भगवान ने रास भी रचाया और राधा जी कृष्ण बनी थी, कृष्ण राधा बनी थी, वो यही स्थान है। पंडित जी ने आपने बता ही दिया, मेरे को जितना पता था मैंने आपको बताया, और जितना मेरे को नहीं पता था वो बच्चा कुछ पंडित जी ने आपको समझा दिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो निधिवन के भीतर आपने जो अभी समाधियाँ देखी हैं, ये उन भक्तों की समाधि हैं जो यहाँ दर्शन करने आए थे और वो यहाँ से जा नहीं पाए, और उसके एक वजह थी क्योंकि भगवान का इतना तेज स्वरूप वो नहीं देख नहीं पाए, ना उनको ऐसा प्रकाशित हुआ और ना ही यहाँ से वो जा पाए। तो मैं पंडित जी से जानना चाहूँगा एक बार और, पंडित जी बताइए मुझे इन समाधियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। राधे राधे जय श्री कृष्णा। ये निधिवन के अंदर उन लोगों की समाधियाँ हैं, इसमें से कुछ समाधियाँ तो उन लोगों की हैं जो यहाँ के सेवादार रहे, या जो हरिदास बाबा की गद्दी के जो मंचासीन महंत रहे उन लोगों की भी समाधियाँ हैं, और कुछ समाधियाँ उन लोगों की हैं यहाँ पर जिन लोगों ने छुप कर न चाहते हुए और अज्ञानतावश ठाकुर जी के प्रत्यक्ष प्रमाण को देखना चाहा और यहाँ पर दुबक गए रात्रि में। वैसे तो आज भी यहाँ ऐसा नियम है कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्यास्त के बाद प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ से निकाल दिया जाता है, कोई भी जीव यहाँ पर नहीं रुकता है, क्योंकि ये जो लीला है ये जीव की लीला नहीं है, ये निर्जीव की लीला है। सबसे बड़ी बात तो ये ठाकुर जी की लीला है। इस ठाकुर जी को लीला को देखने के लिए भी ठाकुर जी की कृपा की बहुत ज़रूरत है। बिना
ठाकुर जी की कृपा की अगर हम उस लीला को देखने का प्रयास भी करते हैं तो हम अपने विवेक के साथ में कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं। ऐसे ही इन लोगों ने भी गलतियां की और इन लोगों के पाप कर्म इतने हैं कि ठाकुर जी के दर्शन करने का सौभाग्य तो इनको अभी मिला नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा तो है नहीं, लेकिन अज्ञानतावश ठाकुर जी की प्रमाणिकता पर जो लोग शक करके और ठाकुर जी के दर्शन करने आए, ठाकुर जी ने उनको ऐसा प्रमाण दिया, ठाकुर जी के दर्शन तो हो गए रास के, तो उनकी मुक्ति तो मिल गई, तो इसीलिए उन लोगों को यहाँ पर स्थान दिया गया है। और ये इनको देखकर ये सीख मिलती है कि भगवान की सत्ता पर शक न किया जाए। भगवान की सत्ता जो धर्म है वो विश्वास की परिपाक्षा है कि विश्वास है तो ही धर्म है। धर्म के अंदर तर्क नहीं चलती, धर्म कोई साइंस नहीं है, ये धर्म एक श्रद्धा का विषय है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने श्रद्धा नहीं है और जो लोग शक के कारण अपने बुद्धिमता के तर्क तार्किक बुद्धि के कारण जिन लोगों ने ठाकुर जी के रास को होता हुआ देखा, ठाकुर जी ने उनको अंतर्ध्यान कर दिया। ये सारी जो समाधियाँ हैं उन्हीं व्यक्तियों की हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आपने देखा पंडित जी ने इसको, इसके जो समाधि हैं इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। और मैं भी यही कहना चाहूँगा, आप वृंदावन आते हैं, वृंदावन धाम आते हैं, निधि बनाते हैं, तो यहाँ आइए, दर्शन करिए। यहाँ की जो शाम की शयन आरती जो होती है उसके बाद ये पूरा निधिवन बंद हो जाता है। आप आए कभी यहाँ, ऐसा कोई कोशिश नहीं करें, इसके लिए ये समाधि यहाँ प्रमाणित हैं, इनको आप देखिए और समझिए। चलते हैं यहाँ से एक बार और आगे चलते हैं और थोड़ा आगे से आपको दिखाते हैं निधिवन में। जय जय श्री राधे। दोस्तों, मैं निधवन में इस समय बैठा हुआ हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ इस समय जो निधवन में मैं, और ऐसे इस तरीके से देखो मैं निधवन में बैठ गया हूँ, क्योंकि रास्ते में ये सारे परिक्रमा मार्ग हैं जो निधवन ऐसे जाते हैं, घूम के गोल सर्कल टाइप का है, वहाँ से आते हैं और ऐसे निकलते हुए आ जाते हैं। तो मेरे साथ पंडित जी हैं, पंडित जी से कुछ ना कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे निधवन के बारे में। तो पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की, जय स्वामी हरिदास जी। ये स्थान निधवन का बड़ा ही दिव्य स्थान है। सबसे पहली बात तो, वैसे तो पूरा वृंदावन ही ठाकुर जी की रासलीला है। वृंदायाम वनः यस्य सह वृंदावन, जहाँ पर बहुत अधिक तुलसियों के वृक्ष हैं इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा, वृंदा तुलसी जी का नाम है। तो ये एक ऐसा जंगल था किसी समय पर जहाँ सिर्फ और सिर्फ तुलसियों के ही वृक्ष हुआ करते थे, मोस्टली मोर देन ज़्यादातर तुलसियों के ही वृक्ष थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया वृंदावन। जो ठाकुर जी ने, वैसे तो ठाकुर जी का जन्म कृष्ण जन्मभूमि पर मथुरा में हुआ है, पालन पोषण गोकुल में नंद बाबा के महल में हुआ है, और जो वृंदावन है ये ठाकुर जी की लीला भूमि है। भगवान ने जितनी भी लीला की हैं उसमें से बहुत सारी लीलाएं हैं जो वृंदावन के अंदर की गई हैं, जैसे कि गाय चराना हुआ, रास रचाना हुआ, शंखचूर्ण वध हुआ, केशी वध हुआ, और कालिया दमन हुआ, ये सारी लीलाएं, और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जितनी भी पूरी स्थान है वृंदावन, ये ठाकुर जी की लीला भूमि है, और उसमें भी ये जो निधवन का जो स्थान है। अब एक प्रश्न आता है कि ये किसको मालूम है कि ये निधवन पर ही भगवान ने रास किया, न तो भगवान हमें बताने आए और ना हम भगवान से जाकर पूछ सकते हैं, लेकिन ये प्रमाण गुरु हमको देते हैं। तो यहाँ के इस भूमि का ये जो प्रमाण है, स्वामी संत श्री हरिदास जी महाराज ने ये प्रमाण दिया है। एक बहुत समय पहले की बात है कि एक बार राजा अकबर के यहाँ पर एक संगोष्ठी चल रही थी। राजा अकबर के यहाँ पर नवरत्न हुआ करते थे, उसमें से तानसेन बहुत बड़ा संगीतकार था। तो तानसेन को अहंकार था कि मेरे से अच्छा संगीत पूरे विश्व में कोई नहीं जानता है। उसी समय पर एक पागल जैसा दिखने वाला आदमी वंशी बजाता हुआ और आगरा में लाल किले के सामने से होता हुआ जा रहा था, तो उसकी वंशी की जो मधुरता है वो राजा अकबर के कानों में पड़ी। राजा अकबर ने पूछा अपने द्वारपालों से, ये कौन व्यक्ति है? तो उन्होंने उस व्यक्ति को लाकर राजा के सामने खड़ा किया। राजा ने उनसे पूछा कि आप कौन हो? तो उसने अपना नाम, तो उसने बताया मेरा नाम बैजू बावरा है। नाम तो बैजू है लेकिन वो भगवान की भक्ति में इतना उन्मत्त रहता था कि लोग उसको पागल समझने लग गए। शास्त्रों के अनुसार प्रेमी, पागल और भक्त, उसमें बाल के बराबर ही फर्क है। किसी व्यक्ति को, उसके स्वरूप को देखते हैं तो उससे प्रेम जागृत होता है,
जब प्रेम की अधिकता बढ़ जाए तो वही भक्ति बन जाती है, और जब वो भक्ति की अधिकता हो जाए तो समाज की नजरों में वही व्यक्ति पागल हो जाता है, बावरा हो जाता है, तो लोग उसको बैजू बावरा कहने लगे। तो उससे पूछा अकबर ने कि आपने किससे संगीत सीखा, तो उसने कहा कि मेरे गुरु जी हैं स्वामी हरिदास जी, जो वृंदावन में निवास करते हैं, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। तो उसी समय पर तानसेन ने कहा कि मेरे से बड़ा संगीतज्ञ कोई नहीं है। तो वहीं पर अकबर बादशाह के दरबार में एक शर्त रखी गई, तो बैजू बावरा ने शर्त रखी कि मैं अपनी वीणा की मधुरता से जंगल में से हिरणों को बुलाता हूँ। तो बैजू बावरा ने वीणा वादन किया तो उस वीणे की मधुरता सुनकर जंगल में से हिरण और राजा के सामने आ गए। तो बैजू बावरा के गले में एक माला पड़ी हुई थी, अब बैजू बावरा ने वो माला उतार कर हिरण के गले में डाल दिया। अब वो हिरण चले गए वापस जंगल में। शर्त ये थी कि दोबारा कोई भी संगीतकार उन हिरणों को अपनी वाद्य की मधुरता से अपने ओर बुला ले और उस माला को वापस करके बैजू बावरा के गले में डाल दे। अगर ये जो जीतेगा इस शर्त को, राजा उसको मुँह मांगा इनाम देगा, और अगर ये जो शर्त हार गया, राजा उसको मृत्यु दंड देगा। तो तानसेन ने खूब जोर लगाया, खूब अपने सारे वाद्य यंत्र बजाए, लेकिन वो हिरण वापस नहीं आए। फिर दोबारा से बैजू बावरा ने वीणा बजाया, और जिस बैजू बावरा ने वीणा बजाया तो उस वीणे की मधुरता से सुनकर वही हिरण वापस आए, और बैजू बावरा ने उस हिरण के गले में से माला को निकालकर स्वयं पहन लिया। तो राजा ने अकबर ने उसको विजयी घोषित कर दिया। जब वो विजयी घोषित हो गया तो तानसेन को मृत्यु दंड मिलना था, लेकिन बैजू बावरा की उदारता इतनी हुई कि राजा ने बैजू बावरा से पूछा कि तुमको क्या मुंह मांगा इनाम चाहिए। तो बैजू बावरा ने एक ही चीज मांगी कि मुझको मेरा यही इनाम है कि इसको मृत्यु दंड न दिया जाए, इसके प्राण दान आप कर दीजिए, मेरा यही इनाम है। तो उसकी मधुरता को देखकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ और उसने पूछा कि आप किसके शिष्य हो। तो उसने बताया कि मैं संत स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का शिष्य हूं। कि स्वामी हरिदास जी महाराज कहां रहते हैं, कि वो वृंदावन में रहते हैं। तो राजा की इच्छा हुई कि ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए मेरे को वृंदावन जाना चाहिए। तो वो वृंदावन लेकर आया, बड़ा बेशकीमती इत्र स्वामी हरिदास जी महाराज के लिए, ठाकुर जी बांके बिहारी के लिए गिफ्ट करने के लिए तौर पर वो लेकर आया। तो स्वामी हरिदास जी महाराज जहां पर आज हम बैठे हुए निधिवन में, यहीं पर ठाकुर जी की जो शयन स्थान था, रंग महल था, वहीं पर ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो उस सेवा को करते हुए, लेकिन स्वरूप वहां पर नहीं था, स्वरूप विराज रहा था उस समय, जो आज मंदिर, निज मंदिर है बांके बिहारी लाल का, उसमें बांके बिहारी लाल जी का स्वरूप विराजमान था। वो सेवा कर रहे थे तो वाद्य से और मनसा परकल्पयामी माने मानसिक पूजा कर रहे थे। राजा आया और राजा ने वो गिफ्ट समर्पित किया, तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने वही इत्र खोला और खोल कर भूमि पर डाल दिया। राजा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा को लगा कि कैसा संत है, मैं इतना बेशकीमती इत्र लेकर आया हूं और इसने भूमि पर डाल दिया। तो स्वामी हरिदास जी से बोला कि आपको क्या मेरा जो इत्र है वो पसंद नहीं आया। तो बोले कि नहीं, मेरे को तो, मैंने तो बांके बिहारी लाल जी के लिए आप लेकर आए थे और मैंने उनको समर्पित कर दिया। राजा बोला यहाँ तो बांके बिहारी जी है नहीं, बांके बिहारी जी तो अपने निज मंदिर में विराजमान है। तो स्वामी हरिदास जी ने कहा कि आप जाकर देखिए बिहारी जी के मंदिर में, आपको आपको अगर अपने इत्र की पहचान है तो यही इत्र की खुशबू, यही इत्र की सुगंध आपको मंदिर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे ही राजा दर्शन करने के लिए पहुंचा तो पूरा मंदिर उसी इत्र की महक से आनंदमयी हो रहा था। राजा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रसन्न हो गया, बोला कि मैं आपसे आपको मैं आपका चमत्कार प्रमाण देखना चाहता हूं, मैंने सुना है कि आपको सारे राग सिद्ध हैं। तो राजा को भी थोड़ा बहुत जानकारी थी, राजा ने बोला कि मुझे आपके मुंह से दीपक राग सुनना है। दीपक राग का ऐसा चमत्कार है कि जब भी दीपक राग गाया जाता है तो गर्मी बढ़ जाती है। तो यहीं इसी स्थान पर निधिवन में ही, जहाँ आपने ललिता कुंड देखा है, वहीं ललिता कुंड के पास में स्वामी हरिदास जी महाराज ने 11 दीपक जलवाए और रखवाए, और वो 11 दीपक एक एक करके जैसे ही स्वामी हरिदास जी अपना राग गाने लगे तो उसी राग की मधुरता से एक एक करके दीपक जलने लगा। लेकिन जब वो दीपक जलने लगा तो राजा के शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई कि राजा का शरीर जलने लगा। तो जब राजा तड़पने लगा तो हरिदास जी महाराज को उसके ऊपर दया आई और उन्होंने मल्हार राग गाया, जिस मल्हार राग को गाने से बारिश हुई और राजा की गर्मी शांत हुई। तो राजा स्वामी हरिदास जी महाराज से बोला कि मैं आपको, आप जो मुंह से मांगो मैं आपको वो देना चाहता हूँ। तो हरिदास जी महाराज बोले कि तू मेरे को क्या दे सकता है, मैं सब कुछ छोड़ के तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं तो संत हूँ। तो राजा बोला नहीं, आप मेरे से जो मुंह से मांगते हो मैं वो आपको दे सकता हूँ। तो हरिदास जी महाराज ने उस राजा का हाथ पकड़ा और केशी घाट पर ले गए। जब केशी घाट पर ले गए तो यमुना मैया ने, जैसे ही यमुना मैया के अंदर प्रवेश करने लगे तो यमुना जी एक एक सीढ़ी करके नीचे उतरने लगी। तो राजा को दिखाई दिया कि एक जो सीढ़ी है घाट की पन्ने की बनी हुई है, एक सीढ़ी है घाट की वो नीलम की बनी हुई है, एक सीढ़ी है घाट की वो हीरा की बनी हुई है। राजा देखकर अचंभित हो गया। तो स्वामी हरिदास जी बोले अब तू बता राजा मेरे को क्या दे सकता है, तेरे पास है इतना कि तू मेरे को दे सके। राजा अकबर की सारी बोलती बंद हो गई और आज भी राजा अकबर के द्वारा दिया गया छत्र बांके बिहारी लाल जी में चढ़ा हुआ है। और उसी समय पर स्वामी हरिदास जी महाराज का शिष्य बना और उसने स्वामी हरिदास जी महाराज को दंडी और वेश ये गिफ्ट किया, उपहार स्वरूप में दिया। इस स्थान की ऐसी महत्व है कि यहीं इसी स्थान पर स्वामी हरिदास जी की भक्ति के कारण बांके बिहारी लाल जी का प्रागट्य हुआ है। असली मूल इसका स्थान का महत्व तो यही है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय।
तो हमने पूरा निधिवन घूम लिया है, निधिवन हमने सारा घूम लिया, आपको सारी जगह की जानकारी हमने आपको दे दी है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएंगी। अब चलते हैं, कोई नया मंदिर आपको दिखाएंगे, कोई पुरानी और भव्यता से जुड़े हुए एक मंदिर से आपको लेके चलेंगे। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री राधे।